हाय फ्रेंड्स, रिचा फूड खाना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ जिसका नाम है फ्रेंड्स मूंग दाल चीला। ये खाने में बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी होता है और बन भी जल्दी जाता है। चलिए फ्रेंड्स इसको बनाते हैं। फ्रेंड्स, मूंग दाल चीला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक कप जो थी मूंग दाल ली थी, जिसको मैंने 4 से 5 घंटे भिगो लिया हुआ था और इसका मैंने अब पानी ड्रेन कर लिया हुआ है। अब मैंने एक यहाँ प्याज लिया हुआ है, एक हरी मिर्च ली हुई है और एक अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है। इन सबको अब हम पीस लेंगे। अब मैंने इसमें प्याज भी काट के डाल लिया हुआ है, हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी हुई है, अदरक। गाइस, अब मैंने इसकी पेस्ट बना ली हुई है। गाइस, अब मैंने इसकी जो पेस्ट है ये रेडी कर ली हुई है। अब मैं इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ, आधा चम्मच जीरा पाउडर, बारीक कटा हरा धनिया मैं इसमें डाल दूंगी, नमक भी हम स्वाद अनुसार डाल देंगे और इन सबको अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बैटर हमें अभी थोड़ा बड़ा थिक लग रहा है तो इसको हम थोड़ा, इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी पतली करेंगे हम इसकी। मिक्सी में जब पीसते हुए ना मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, ड्रेन करके ही डाली थी, तो अब इसके बाद ही हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। अभी मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी और मिला लेते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी रखी हुई है, मीडियम कंसिस्टेंसी का आपने इसको रखना है। चलिए फ्रेंड्स अब इसको हम बनाते हैं। अब मैंने एक पैन को गर्म कर लिया हुआ है, थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे हल्का सा। मैं सेंटर में बैटर डाल रही हूँ और हमने इस बैटर को धीरे धीरे करके सेंटर से मैं इसको फैलाती जाऊंगी। हमें इसको राउंड शेप देने की कोशिश करनी है। थोड़ी देर में इस पर ढक्कन रखूंगी ताकि चीला अच्छी तरह पक जाए। मैं ढक्कन उठाएंगे हम इसका। देखिए फ्रेंड्स, अब पहले मैं थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस चीले को अच्छी तरह दोनों साइड से पका लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह कुक हुआ है हमारा चीला। दूसरी साइड से भी अच्छी तरह पक गया हुआ है और ये खाने के लिए तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिल्ला अब तैयार हो गया हुआ है और ऐसे ही करके हम बाकी के चिल्ले भी अपने तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे अब चिल्ले तैयार हो गए हुए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हुई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको मेरी ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।